नमस्कार। एनसीपी कांग्रेस शिवसेना के महाविकास अघाड़ी गठबंधन में सांप और नेवले का खेल अब शुरू हो चुका है। इस खेल की लड़ाई में क्या उद्धव ठाकरे अपनी सीएम कुर्सी बचा पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल महाराष्ट्र की राजनीति में उठ खड़ा हुआ है। महाविकास अघाड़ी गठबंधन की तीनों पार्टियों में साझेदारी नहीं बैठ पाने के कारण घमासान छिड़ा हुआ है, लेकिन उद्धव सरकार में इस उठा पटक की असली वजह क्या है, जानिए इस एक छोटे से ब्रेक के बाद। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के क्लास 9th और क्लास 10th के स्टूडेंट हेतु अन अकेडमी लेकर आया है बहुत ही अच्छी खबर। अन अकेडमी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ऑनलाइन लर्निंग और स्टडी ऐप है, जहां आप महाराष्ट्र के टॉप एजुकेटर से महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की क्लास 9th और क्लास 10th की कैटेगरी में ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं। अन अकेडमी पर आपको क्लास 9th और क्लास 10th के लिए महाराष्ट्र के टॉप एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं। अन अकेडमी एप्लीकेशन के प्लेटफॉर्म पर आपको टेस्ट सीरीज, लाइव सेशन आदि के अलावा अभी बहुत कुछ मिलेगा जो बिल्कुल फ्री है। और फ्री सेशंस को अनलॉक करने के लिए आप मेरा रेफरल कोड जिनू10 यूज करें। अगर आप अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन खरीदते हो तो आपको लाइव क्लासेज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बैंक, सिलेबस के बेच, प्रैक्टिस टैब, रिवीजन एंड क्रश कोर्सेज आदि के साथ और भी बहुत कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा। और आप मेरा रेफरल कोड जिनू10 यूज करेंगे तो आपको इसमें 10% छूट भी मिलेगी। बहुत ही कम दाम में आप अन अकेडमी पर टॉप एजुकेटर से स्टडी कर सकते हैं। जानकारी एवं एप्लीकेशन लिंक है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। दरअसल महाविकास अघाड़ी गठबंधन को राजनीति के ज्ञाताओं ने बिना सिर और पैर का बता करके गठबंधन निर्माण के समय ही ज्यादा लंबी पारी नहीं खेलने की भविष्यवाणी कर दी थी। शिवसेना की हिंदुत्ववादी छवि और कांग्रेस की सेकुलरवादी छवि को इसका मुख्य कारण भी बताया गया था। कांग्रेस शिवसेना की ताजा बयानबाजी से संजय राउत का अगले 25 साल तक महाविकास अघाड़ी गठबंधन चलने का दावा भी पूरी तरह से खोखला नजर आ रहा है। सिर्फ कांग्रेस शिवसेना ही नहीं बल्कि एनसीपी के साथ शिवसेना के संबंधों की खटास नजर आ चुकी है, जिससे महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े फेरबदल के क्या है वो लगाए जाने शुरू हो गए हैं। एनसीपी नेता जितेंद्र अवध ने ठाणे की खराब सड़कों के लिए शिवसेना को जिम्मेदार बताते हुए उद्धव ठाकरे के सिर सारा ठीकरा फोड़ दिया है, जिससे एनसीपी शिवसेना में भी तनातनी की शुरुआत हो चुकी है। एनसीपी शिवसेना के कार्यकर्ता भी कई बार आपस में भिड़ चुके हैं। दोनों पार्टियों की तरफ से साझा कार्यक्रमों में दोनों पार्टियों के नेताओं के सामने ही कार्यकर्ता कभी कुर्सी चलाते हैं, कभी एक दूसरे के कपड़े फाड़ देते हैं। ऐसी कसम केस में कैसे उद्धव सरकार अपने 5 साल पूरे कर पाएगी, ये बहुत बड़ा सवाल महाराष्ट्र की राजनीति में उठ खड़ा हुआ है। ताजा पंचायत चुनावों की बात करें तो महाराष्ट्र में टोटल 36 जिले हैं, जिनमें से 34 जिलों में पंचायत चुनाव हुए हैं। 34 जिलों की कुल 12,711 ग्राम पंचायतों के चुनाव हो चुके हैं। मुंबई के 2 जिलों में पंचायत के चुनाव नहीं हुए हैं। इसके अलावा गढ़चिरौली नक्सल प्रभावित इलाके में भी चुनाव नहीं हुए हैं, यहाँ पर बाद में चुनाव होंगे। इन पंचायत चुनावों के परिणाम की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 6,000 सीटों पर चुनाव जीतने का दावा कर रही है। वैसे तो पार्टी के सिंबल पर पंचायत चुनाव नहीं होते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो नेता होते हैं, जो लोग होते हैं, वो इस बात को भली भांति जानते हैं कि कौन सा उम्मीदवार कौन सी पार्टी का है। ऐसे में बीजेपी ने 12,711 में से 6,000 पंचायत की सीटों पर चुनाव जीतने का दावा किया है, यानी कि 50% के लगभग पंचायत चुनावों में जीत बीजेपी अकेले दर्ज कर चुकी है। दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी गठबंधन की चर्चा करें तो एनसीपी दूसरे नंबर पर 2800 सीटों के साथ जीत दर्ज करने का दावा कर रही है। 2000 सीटों के लगभग शिवसेना तीसरे नंबर पर पहुंच चुकी है और यही लगभग 1600 सीटों पर जीत का दावा कांग्रेस कर रही है। ऐसे में पंचायत चुनाव में अनुमान को ठीक समझ लिया जाए तो बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है और महाविकास अघाड़ी गठबंधन को महाराष्ट्र की जनता ने सबक भी सिखाया है और एक झलक भी शिवसेना को दिखा दी है एनडीए से अलग होने की। इन पंचायत चुनावों में लगभग 1.25 लाख उम्मीदवार थे जो पंच और सरपंच के थे, इन्होंने हिस्सा लिया और इनमें से 26,000 पंच और सरपंच निर्विरोध चुने गए हैं। बताया जा रहा है कि अकेले बीजेपी के 560 निर्विरोध सरपंच है वो चुने जा चुके हैं।
कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन को पंचायत चुनाव में बहुत बड़ा झटका लगा है और इस चुनाव परिणाम के बाद तीनों पार्टियों में आपसी घमासान होना तय है। शिवसेना को भी उनकी औकात है वो समझ में आ चुकी है, लेकिन शिवसेना द्वारा सेकुलरवादी कांग्रेस की विचारधारा को लेकर के जो सवाल खड़े किए गए हैं उस पर कांग्रेस की नेता यशोमती ठाकर ने करारा जवाब दिया है और कहा है कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन निर्माण के समय जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तीनों पार्टी में तय हुआ था लिखित में, उसमें शिवसेना भी सेकुलरवादी विचारधाराओं को अपना चुकी है, इसलिए शिवसेना को अब हिंदुत्व की विचारधारा पर विचार नहीं करना चाहिए। इस तरह की बात कांग्रेस की नेता है यशोमती ठाकुर उनकी तरफ से कही गई है। इन्होंने पहले भी जिस तरह से कांग्रेस पर टीका टिप्पणी की गई थी, राहुल गांधी सोनिया गांधी पर टीका टिप्पणी संजय राउत की तरफ से की गई थी, उसको लेकर के भी यशोमती ठाकुर ने साफ कहा था कि भविष्य में यदि कांग्रेस के किसी भी नेता को लेकर के टीका टिप्पणी की गई शिवसेना की तरफ से तो आप महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार से हाथ धो बैठेंगे। इस तरह का चैलेंज पहले भी कहीं ना कहीं शिवसेना को किया गया था और अब फिर से सेकुलरवादी और हिंदुत्ववादी छवि को लेकर के फिर से कांग्रेस की नेता यशोमती ठाकुर ने शिवसेना को चेतावनी दे दी है। इसके अलावा संजय अनुपम ने उद्धव ठाकरे के कोरोना वैक्सीन कार्यक्रम को लेकर के भी काफी सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। कहा है कि फोटो शूट की बजाय अगर कोरोना ऐप में तकनीकी सुधार करने का काम किया जाता तो आज उद्धव सरकार की इतनी बड़ी बेइज्जती नहीं होती। यानी कि तीनों पार्टियों में पंचायत चुनाव को लेकर के भी काफी बवाल मचना दिया है और इससे पहले भी काफी ज्यादा बवाल तीनों पार्टियों में मचा हुआ है, क्योंकि कोरोना वैक्सीन के कार्यक्रम को लेकर के उद्धव ठाकरे अगले सोमवार तक इस कार्यक्रम को टाल चुके थे और इसको लेकर के कहा गया था कि जो कोरोना की ऐप है उसमें तकनीकी समस्या आ चुकी है, जिस पर कांग्रेस ने खूब तंज कसे हैं। कांग्रेस के नेताओं ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर के कहा था कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन से बाहर निकला जाए, वरना कांग्रेस पार्टी की छवि भी महाराष्ट्र में खराब हो रही है और कांग्रेस पार्टी में बड़ी तोड़फोड़ और बगावत होने के संकेत भी मिल रहे हैं। इस तोड़फोड़ से बचने के लिए और बगावत से बचने के लिए सोनिया गांधी को अब महाविकास अघाड़ी गठबंधन से बाहर निकलने का फैसला लेना ही पड़ेगा। जब औरंगाबाद में आदित्य ठाकरे विकास कार्यों का उद्घाटन कर रहे थे तब भी कांग्रेस के नेताओं को उनके कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया, कोई आमंत्रण नहीं भेजा गया। आगे महानगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में कांग्रेस पार्टी जल्द से जल्द महाविकास अघाड़ी गठबंधन छोड़ने का फैसला ले सकती है, क्योंकि कांग्रेस और शिवसेना के बीच में यही संकेत मिल रहे हैं कि अब कांग्रेस उद्धव सरकार का साथ नहीं देगी। पिछले दिनों दोनों पार्टियों के बीच में जो बवाल मचा है उससे तो साफ संकेत मिल रहे हैं। उद्धव ठाकरे के साथ कांग्रेस किसी भी हालात में लंबी पारी खेलने में असमर्थ है। राहुल गांधी ने केसी वेणुगोपाल को महाविकास अघाड़ी गठबंधन में कांग्रेस की भूमिका पर रिपोर्ट तैयार करने के आदेश भी दे रखे हैं। हालांकि अभी तक इस रिपोर्ट को लेकर के कोई भी खबर सार्वजनिक तो नहीं हुई है, लेकिन बताया जा रहा है कि संजय अनुपम की देखरेख में इस रिपोर्ट को केसी वेणुगोपाल तैयार कर रहे हैं। केसी वेणुगोपाल महाराष्ट्र कांग्रेस के विधायक, वहां के नेता, मंत्री और सभी कांग्रेस के एमएलसी से मिलकर के उनसे पूछेंगे कि वो इस महाविकास अघाड़ी गठबंधन की उद्धव सरकार में रहना चाहते हैं या नहीं, रहना चाहते हैं तो क्यों और नहीं तो क्यों। अगर इस रिपोर्ट में गठबंधन छोड़ने के समर्थन में ज्यादा वोट मिले तो अब आप मान करके चलिए कांग्रेस इस गठबंधन से बाहर निकलेगी। कांग्रेस राहुल गांधी की ताजपोशी करने जा रही है और उसी दौरान महाराष्ट्र के महाविकास अघाड़ी गठबंधन पर भी राहुल ग्रुप के नेता बड़ा फैसला ले सकते हैं। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार कांग्रेस पार्टी में सेंधमारी कर तोड़फोड़ करने में व्यस्त हैं। पिछले दिनों ही कांग्रेस के 18 से 20 बड़े नेता और एमएलसी एनसीपी का दामन थाम चुके हैं कांग्रेस को छोड़ करके। वैसे भी शरद पवार कांग्रेस को महाविकास अघाड़ी गठबंधन से बाहर निकालने की रणनीति पर ही उद्धव ठाकरे से फैसले करवा रहे हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे जो फैसले ले रहे हैं वो कहीं ना कहीं शरद पवार के इशारे पर ही लिए जा रहे हैं।
उद्धव सरकार में हो रहे लगातार भ्रष्टाचारों से कांग्रेस पार्टी की छवि भी खराब हो रही है और जिसका पूरा असर महाविकास अघाड़ी गठबंधन पर भी पड़ेगा। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि उद्धव ठाकरे की गद्दी पर अब कांग्रेस का ग्रहण लगने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। बस इंतजार हो रहा है राहुल गांधी की ताजपोशी का और उसके बाद राहुल गांधी और सोनिया गांधी के फैसले का। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अब उद्धव सरकार में हो रहे भ्रष्टाचारों से कांग्रेस पूरी तरह से तंग आ चुकी है। फिलहाल उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी को लेकर के किस तरह का फैसला कांग्रेस आला कमान ले सकती है, इस पर आप अपने विचार हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना, मिलते हैं अगली वीडियो अगले अपडेट साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।